हेलो दोस्तों, घरेलू खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ताजे रसीले गुलाब जामुन भारत की एक पारंपरिक रेसिपी है। आजकल बाजार में गुलाब जामुन बनाने के लिए तरह तरह के रेडीमेड मिक्सचर मिलते हैं, लेकिन किसी भी मिक्सचर से बने गुलाब जामुन का स्वाद पारंपरिक रीत से घर पर बने खोए के गुलाब जामुन जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं खोए से बने ताजे रसीले गुलाब जामुन की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप कद्दूकस किया हुआ खोया, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, तलने के लिए घी या तेल, 3 से 4 हरी इलायची या फिर 1/2 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 से 10 केसर की किस्में, 1.5 कप चीनी, 2.5 कप पानी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे बर्तन में 1.5 कप चीनी, 3 से 4 हरी इलायची या हरी इलायची का पाउडर और 8 से 10 केसर की किस्में डाल दें। इसमें 2.5 कप पानी डालें और तेज आंच पर उबालें। जब ये उबलने लगे तो इसे थोड़ा धीमी आंच पर कर दें और तब तक उबालें जब तक चाशनी थोड़ी चिपचिपी ना हो जाए। बीच बीच में इसे कलछी से मिक्स करते रहें। इसमें करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे। जब ये अच्छी तरह से हो जाए तो गैस बंद करके इसे किनारे रख। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए खोया ले लें। खोए में 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1.5 कप मैदा डाल दें। ये सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे आटे की तरह गूंथ लें। ध्यान रहे ये आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ये मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और अगर ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। ध्यान रहे दूध को 1 टेबल स्पून ही डालना है। अगर ये ज्यादा हार्ड लगे तो आप इसमें और दूध डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से गूंथ जाए तो अपने हाथ पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर इस आटे से गोले बना लें। ध्यान रहे बहुत बड़े गोले नहीं बनाने हैं, गोलों का आकार छोटा ही होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर घी या तेल गर्म कर लें। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें बनाए हुए गोलों में से 2-4 गोले डाल दें और अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इन गोलों को, इन बॉल्स को सुनहरा होने तक के लिए फ्राई करना है। इसमें लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। नरम गुलाब जामुन बनाने के लिए उन्हें एक समान तापमान में तालना जरूरी होता है और इसके लिए आप आवश्यकता अनुसार तापमान को कम या तेज कर सकते हैं। अब इन गोलों को एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें। इनका सारा तेल सोख जाने के बाद बनाई हुई चाशनी को फिर से एक बार गर्म कर लें। जब चाशनी हल्की गर्म हो जाए तो बनाए हुए बॉल्स को इस चाशनी में डुबा दें। करीब 1 से 2 मिनट तक डुबा कर रखें, जब तक चाशनी गोलों में अच्छी तरीके से सोख ना हो जाए। 1 से 2 मिनट तक चाशनी को बॉल्स में डुबाने के बाद इन्हें निकाल लें। आपके गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।